आपके लिए क्या कुछ चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं जी राजस्थान के माध्यम से? मैम, बात तो यही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा माहौल खराब है और कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। कल रात में भी हम लाइट वाइट बंद करके बैठ गए थे जल्दी ही, और तो रात में 1-2 बजे के समथिंग हमारे गेट के बाहर आके लोग खटखटा रहे हैं गेटों को, गालियां दे रहे हैं। लोकल्स लोग आए और मारने की धमकी देते हैं। वो तो अब गेट थोड़े मजबूत हैं इस वजह से, नहीं तो अगर गेट खुल जाए तो वो तो मार जान से मार के मार दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चक्कू रखते हैं अपने साथ में, गन्स रखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर ज्यादा ही है मैम यहाँ पे। ठीक है हिमांशु, हम आपके पास फिर से आएंगे बातचीत करने के लिए। एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, विधायक जो है महुआ से, जो विधायक है राजेंद्र प्रधान, उनका ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो वीडियो कॉल से डायरेक्ट वहां पर जो फंसे हुए छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी राजस्थान पे आपको हम सुना रहे हैं वो क्या बातचीत कर रहे हैं। अपना ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, है ना? कोई बात हो तो तत्काल बताना। और अपने राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार दोनों लगे हुए हैं बिल्कुल। कितने बच्चे हैं अपने टोटल महुआ से, कितने हैं? अपने दो से लेके सर 4-5 बंदे हैं। अच्छा, पूरे जिले में 4-5 बंदे हैं। तो महुआ से कौन कौन है? एक तो आप हो गए। महुआ से एक मैं हूँ और एक खेड़ा से भी है। अच्छा, खेड़ा से भी एक है ना? अच्छा, ठीक है ठीक है। आप ध्यान रखना बिल्कुल, है ना? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात हो तो मेरे को तत्काल बात करना मेरे से, है ना? ठीक है ठीक है भाई। खाना वाना व्यवस्था वगैरह सारा मिल रहा है टाइम पे? ठीक ठीक है, ध्यान रखना अपना, है ना? और आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर महुआ से विधायक जो है राजेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने बच्चों से बातचीत की वीडियो कॉल के जरिए, और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार लगी हुई है, लगातार आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और तो आपको सुरक्षित वहां पर रखा जाएगा। और हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से बच्चों को यहां पर, और ये एक बड़ी अपडेट आपको पहुंचा दे दौसा से, जहां किर्गिस्तान में फंसे छात्र से जी मीडिया की खास बातचीत। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वहां पे फंसे छात्र गौरव शर्मा ने जी मीडिया से कहा कि वहां पर छात्र गौरव ने कहा कि किर्गिस्तान में हालात बिल्कुल खराब है, बेहद खराब है, और किर्गिस्तान में भारतीय छात्र से मारपीट हुई है, ऐसा छात्र गौरव शर्मा ने, जिससे अभी अभी हमने बातचीत की है, आपको सुनवाया। तो ये एक बड़ी अपडेट दे दें, वहां पर जो छात्र हैं वो परेशान है, खाने पीने की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। लगातार हमारे साथ तमाम छात्र बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जी राजस्थान या जी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से हम लगातार उनसे बातचीत करके उनको वहां पर सुरक्षित और सुरक्षा महसूस करवाया जाएगा, वहां पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, और राज्य और केंद्र सरकार लगातार अपने प्रयास कर रही है। और चलिए इसी के साथ किर्गिस्तान